पुरानी पेंशन योजना के साथ ही अन्य मांगों को लेकर मंगलवार को सभी सरकारी व निम्न सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर उतर आए हैं। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में पुरानी पेंशन योजना चर्चा में है। महाराष्ट्र के सभी सरकारी कर्मचारी इस मांग को लेकर सरकार से लड़ रहे हैं। इस मांग को लेकर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन में साफ कर दिया था कि यह निर्णय जल्दबाजी में नहीं लिया जा सकता। सोमवार को भी कर्मचारियों के और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के बीच बैठक हुई, मगर कोई भी रास्ता नहीं निकल पाया। इसी कारण पूरे महाराष्ट्र के कर्मचारी मंगलवार से हड़ताल पर चले गए हैं। नागपुर शहर में भी जिला कोषागार विभाग व आयुर्वेदिक दवाखाना के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए, जिसे जनता को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारी शासनाला निवेदन दिले, निवेदन 1 नोव्हेंबर 2005 पासून जे जुनी पेन्शन योजना बंद झाली ती सुरू करण्याकरिता अनेकदा निवेदन देण्यात आलेले आहेत। महाराष्ट्र राज्य मध्यवर्ती संघटनेतर्फे अनेकदा आंदोलन झालीत, विधानसभेवर मोर्चे काढण्यात आलीत। महाराष्ट्र राज्य लेखा कोषागार कर्मचारी संघटना सरकार मान्य यांनी पण अनेकदा संपात सहभागी होऊन जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत मागणी केली। त्या अनुषंगाने आज 14 मार्च 2023 रोजी आजपासून बेमुदत संपाची सुरुवात झालेली आहे। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहड के साथ अभिषेक पानसी, BCN News नागपूर।